गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिन्हें आप किसी एक पर्टिकुलर क्लास में बांध करके नहीं रख सकते। आप जहां पर भी हैं, जिस क्लास में हैं, वहीं पर आप उनका रिवीजन कर लीजिए, वो आपकी नॉलेज में इंक्रीमेंट करेगा। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एंगल्स। हम डिफरेंट एंगल्स ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे विदाउट प्रोट्रैक्टर, और इसी बीच मैंने एक कंपास, हम कंपास की सहायता से एंगल्स ड्रॉ करेंगे, और कंपास को अपने आप ही बनाया है घर पर। मेरे पास एक स्टिक पड़ी हुई थी, उसे मैंने दो पार्ट में काटा और एक बीच में सीडी को फिक्स किया, और इस तरीके से कंपास मैंने बनाई है। आप कमेंट करके बताना मुझे कंपास कैसी लगी, और इस सीडी को मैंने इनके बीच में फिक्स किया है। यहां पर ये मैंने एक स्क्रू लगा दिया है, नट और बोल्ट लगा दिया, मतलब ताकि मैं इसे किसी भी एंगल पर एडजस्ट कर सकूं इस तरह। तो आप कमेंट करके मुझे बताना कि ये कंपास कैसा लगा। और अब हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये स्केल भी लिया हुआ है, और मुझे कोई बड़ा स्केल नहीं मिला था तो मैंने इसी को यूज कर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं, कुछ इस तरह। कैसे? कुछ इस तरह। सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब जिस भी पॉइंट पर आपको एंगल ड्रॉ करना है, जिस भी पॉइंट पर, इसे मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं, जिस भी पॉइंट पर आपको एंगल ड्रॉ करना है वहां आप एक डॉट लगा दीजिए, ठीक है, और इसे कुछ नाम दे दीजिए। मान लीजिए हमने इसे ओ नाम दे दिया, ठीक। अब हम क्या काम करेंगे, कंपास को लेंगे, ठीक है। कंपास को लेने के बाद इसे आप यहां पर आप इसका नुकीला सिरा रखिए, ठीक है, और एक आर्क लगाइए कुछ इस तरह। इसे थोड़ा सेट कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह। यहां पर आप इसका नुकीला सिरा रखिए और एक आर्क आप इस तरीके से लगाइए, ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके से, ओके। ये आपका पहला स्टेप है। पहला स्टेप है कि आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, उसको कुछ नाम दे देंगे, उसके बाद अपने कंपास को, कंपास का नुकीला सिरा, ये वाला सिरा आप ऊपर रखिए और कुछ इस तरह से आर्क लगा दीजिए, ठीक है। आप इसे सेमी सर्कल भी बना सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट्स। सेमी सर्कल बनाने के बाद अब आपको क्या काम करना है, यही सिरा अपना, इसे एक नाम दे दीजिए ए, ठीक है। अब यही सिरा आप ए पर रखिए कुछ इस तरीके से, और एक आर्क ऐसे लगाइए, ठीक है, फिर दूसरा आर्क इस तरह लगाइए। अब आपको दो आर्क कंटिन्यूअस लगाने हैं, पहला नुकीले सिरे को यहां पर रखिए और एक आर्क लगा दीजिए, फिर इसे बढ़ा करके यहां पर रख दीजिए, दूसरा आर्क लगा दीजिए। ये आपका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, फिर से आप इसकी इसको लेंथ को या फिर इसके एंगल को आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब फिर से जो नेक्स्ट पॉइंट है आप इसे यहां पर रखिए फिर से, और ऊपर की तरफ एक और आर्क लगाइए ऐसे, ठीक है, और इस पॉइंट पर रखिए, फिर एक और आर्क लगाइए। ये दोनों कहीं ना कहीं कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को इस तरह, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है, कुछ नहीं करना, सीधा जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, स्केल की सहायता से, स्केल थोड़ा छोटा हो सकता है, आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है, स्केल की सहायता से आप इन दोनों को, पॉइंट्स को, सबसे नीचे वाले पॉइंट्स को, सबसे नीचे वाले पॉइंट को और सबसे ऊपर वाले पॉइंट को, जहां पर ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रहे थे, इस तरीके से मिला देंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास एंगल बनेगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 90 डिग्री के एंगल को आप कुछ इस सिंबल से, कुछ इस तरह शो करते हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल बनेगा हमारे पास इधर वाला, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इधर भी 90 डिग्री का ही बचेगा क्योंकि ये पूरा 180 डिग्री का होता है, तो ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा और ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। वैसे हम इधर की तरफ शो कर रहे हैं, तो इस सिंबल से आप इसे 90 डिग्री का एंगल शो कर देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि 90 डिग्री का एंगल आपके समझ में आया होगा किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, फिर इस पर कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए ओ, और प्रकार में कोई भी लेंथ भर लीजिए आप, कोई भी, ठीक है, कंपास में कोई भी लेंथ भर लीजिए, और कंपास का नुकीला सिरा यहां पर रखिए और पेंसिल वाला सिरा यहां पर रख करके कुछ इस तरीके से एक सेमी सर्कल बना दीजिए, ठीक है। उसके बाद
कंपास का नुकीला सिरा यहां पर रखिए, एक आर, फिर यहां पर रखिए दूसरा आर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि फिर से उसके एंगल को आपको चेंज नहीं करना, यहां पर रखिए इस तरह आर्क लगा दीजिए, यहां पर रखिए इस तरह आर्क लगा दीजिए। अब ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसे आप इस तरीके से यहां मिला दीजिए, तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन करके तैयार हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, कुछ इस तरीके से जैसा कि आप देख रहे हैं। अब स्टूडेंट्स हम जो अगला एंगल है वो है 45 डिग्री का, 45 डिग्री का एंगल आप किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, तो 90 डिग्री के एंगल को ही आप बाइसेक्ट कर दीजिए, 90 डिग्री के एंगल को ही आप बाइसेक्ट कर दीजिए तो 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें 90 डिग्री का एंगल भी आना चाहिए, और सबसे पहले हम 90 डिग्री का ही एंगल बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने 90 डिग्री एंगल तैयार कर लिया है, अब इसी में से हम 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो अब मैं इसे क्या काम करता हूं, थोड़ा सा लाइट कर देता हूं, क्यों इस एंगल को मैं लाइट कर देता हूं, क्योंकि अब हमारे पास 90 डिग्री का एंगल नहीं है, अब हमें 45 डिग्री का एंगल बनाना है, तो इसको थोड़ा सा लाइट कर देते हैं, क्योंकि आप जिस एंगल को बना रहे हैं उसी को डार्क दिखाएंगे, बाकी जितनी भी चीजें हैं या बाकी उसके साथ जो एंगल बनाए गए हैं उसकी सहायता के लिए उन्हें आप हल्का दिखाएंगे, ठीक है ना। तो हमने इसको लाइट कर दिया, अब फिर से हम क्या काम करेंगे, प्रकार को लेंगे यानी कंपास को लेंगे, और ये जो आर्क आपने लगाई थी 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए, जो आर्क आपने लगाई थी उसके दोनों सिरों पर आप कंपास को रखिए कुछ इस तरह, इसे थोड़ा सा आप बढ़ा लेंगे, ठीक है, इस आर्क से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा लेंगे, और अब ए पॉइंट पर आप रखिए, ठीक है, इस तरह, और इधर की तरफ आर्क लगा दीजिए, ओके, और इसी आर्क के ये जो एंगल है, इस एंगल में जो आपको आर्क दिखाई दे रही है, पहले इसके एक सिरे पर यहां पर रख करके, ठीक है, एक आर्क इधर लगानी है, अब दूसरे सिरे पर रख करके यहां रख करके इस तरह एक आर्क आपको यहां पर लगा दे रही है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब जहां पर ये दोनों आर्क कट कर रही है फिर से आपको क्या काम करना है, अपने स्केल को लीजिए, थोड़ा सा स्केल काम चला हुआ है आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है, स्केल को लीजिए और इस तरह से रख करके ऐसे, ठीक है, और इस तरह आप इसे मिला दीजिए, ठीक है। तो ये जो नया एंगल हमें मिलेगा, यानी ये जो एंगल मिलेगा, ये एंगल, ये 45 डिग्री का एंगल होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपने देखा कि हम पहले 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और 90 डिग्री के एंगल को ही हम बाइसेक्ट कर देंगे, तो हमें 45 डिग्री एंगल मिल जाएगा, ठीक है। तो 90 डिग्री एंगल कैसे बनाया वो भी आपको आना चाहिए, समझ आना चाहिए, नहीं तो आप वीडियो को फिर से बैक में ले जा करके एक बार देख लीजिए कि 90 डिग्री एंगल हम किस तरीके से बनाते हैं। उसी तरीके से 90 डिग्री के एंगल को ही हम बाइसेक्ट कर देंगे। किसी भी एंगल को किस तरीके से बाइसेक्ट किया जाता है कि उस एंगल को बनाने के लिए जो आर्क आपने यूज किया है, ये आर्क यूज किया था, इसी के दोनों सिरों पर रख करके एक बार इधर रख करके आर्क लगाइए और एक बार यहां, मान लीजिए हम इसे एम पॉइंट मान लेते हैं, फिर एम पर रख करके आर्क लगाइए, जिस पॉइंट पर ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट करेंगे उसी पॉइंट को आप ओरिजिन से यानी पॉइंट ओ से मिला दीजिए, तो 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। आशा करता हूं स्टूडेंट्स कि आपको 90 डिग्री का और 45 डिग्री का एंगल समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट एंगल हम बनाने के लिए जा रहे हैं ये है 60 डिग्री का एंगल, ठीक है, तो देखते हैं इसको 60 डिग्री एंगल किस तरीके से बनेगा। स्टूडेंट्स मैं इसे जरा मिटाता हूं, ठीक है, और फिर हम उसके बाद 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। मैं एक कागज ले लेता हूं, इससे इसे मिटा देता हूं। अब 60 डिग्री एंगल बनाने के लिए फिर से हमें वही प्रोसेस यूज करना है कि आप सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, कुछ इस तरह एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। थोड़ी सी दिक्कत होती है बोर्ड पर बनाने में। अब यहां पर एक पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए, इसको नाम दे दीजिए ओ, ठीक है। अब आपको वही प्रोसेस फिर से यूज करना है। कौन सा प्रोसेस, कि आप ओ पर रखिए, ओ पर ये नुकीला सिरा रखिए, शार्प पॉइंट कंपास का यहां रखिए और पेंसिल वाले सिरे को आप दूर रखिए, फिर आप इस तरीके से कैसे कुछ इस तरीके से आपको एक आर्क लगाना है, ठीक है। थोड़ा सा गलत हो गया, फिर से लगा देता हूं, ठीक है।
कुछ इस तरह ये आर्क आपको लगाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आर्क लगाने के बाद अब आपको ये डिस्टेंस चेंज नहीं करनी, इसे आप एक नाम दे दीजिए ए, इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, थोड़ी बड़ी रखेंगे। ठीक है, अब ए पर रख करके यानी ये शार्प पॉइंट ए पर फिर से रखिए इस तरह, एंगल को चेंज नहीं करना स्टूडेंट, ध्यान रखना, ए पर रखिए और फिर से यहां पर एक आर्क लगा दीजिए। ठीक है, अब जहां पर भी ये दोनों आर्क कट कर रहे हैं इसे हम कोई भी नाम दे देते हैं, मान लीजिए आपने इसे बी नाम दे दिया। अब जिस पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट कर रहे थे, जिस पॉइंट पर भी ये इंटरसेक्ट कर रहे थे उस पॉइंट को आप ओ से मिला दीजिए, यानी ओरिजिन से मिला दीजिए, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह से आप मिला देंगे तो ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनकर के तैयार होगा ये 60 डिग्री का एंगल होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, आप इसे मेजर करके देख सकते हैं, ये जो एंगल बनकर के तैयार होगा ये 60 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, अब हमें 60 के बाद 30 डिग्री का एंगल बनाना है, तो स्टूडेंट्स अगर आपको किसी भी एंगल का हाफ एंगल बनाना है तो आप उसी एंगल का बाइसेक्ट कर दीजिए, उसी एंगल को बाइसेक्ट कर दीजिए, उसी एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कर दीजिए। और किसी भी एंगल का बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं कि उस एंगल को बनाने में जो आर्क आपने यूज किया है, यानी ये वाला जो आर्क आपने यूज किया है, इसी आर्क के दोनों सिरों पर कंपास को रख करके फिर से दो आर्क लगाइए। ठीक है, मतलब एक इधर और एक इधर, जिस पॉइंट पर ये दोनों आर्क कट करेंगे उसे इस तरह मिला दीजिए तो इस एंगल का आधा एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या काम करते हैं, अब हम 30 डिग्री एंगल ड्रॉ करने के लिए जा रहे हैं, तो जब आप 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए जा रहे हैं तो 60 डिग्री के एंगल को आप लाइट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि एक एंगल को जब हम बना रहे हैं तो दूसरे एंगल को आपको लाइट रखना पड़ेगा, क्योंकि हम ये शो कर सकें कि हमारा मुख्य एंगल ये है, मेन एंगल ये है। ठीक है, नहीं तो एग्जाम में सर को कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने 30 डिग्री का एंगल बनाया या फिर 60 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक है, तो उसे आप एक हल्की लाइन से दिखाएंगे या फिर आप उसे डॉट में कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्या काम करना है, इसे थोड़ा सा बढ़ा लीजिए कुछ इस तरीके से, यहां से ढीला करके इसे इस तरीके से बढ़ा लीजिए और फिर से इसे कस दीजिए। ठीक है, अब देखिए आप इसे यहां पर रखिए इस तरह और यहां पर आग लगा लीजिए। ठीक है, और दूसरे सिरे पर रखिए और यहां पर आग लगा लीजिए। ठीक है, अब क्या काम करना है आपको, आपने इसके दोनों सिरों पर यानी इस आर्क के दोनों सिरों पर कंपास को रख करके और दो आर्क लगाए, जिस पॉइंट पर भी ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट करते हैं उसी पॉइंट को आप ओ से मिला दीजिए, उसी पॉइंट को आप ओ से मिला दीजिए। तो मान लीजिए हमारा स्केल है, स्केल हमारा थोड़ा छोटा है, मेरे पास कोई बड़ा स्केल था नहीं, कोई ऐसी स्टिक थी नहीं, तो कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, बस समझना है हमको। तो आप इस तरह रख करके और इस तरह मिला दीजिए। ठीक है, ऐसे, तो ये जो एंगल बनेगा कौन सा, इस एंगल का जो बाइसेक्ट एंगल है ये एंगल, ये एंगल 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया सबसे पहले, फिर उस एंगल का बाइसेक्ट किया तो 45 डिग्री का एंगल बन गया, फिर हमने 60 डिग्री का एंगल बनाया, फिर हमने उसका भी बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है ना, कुछ इस तरह। तो आपने इसमें एंगल को बाइसेक्ट करना भी सीखा और इन चारों एंगल्स को बनाना भी सीखा। मैं आशा करता हूं कि ये चारों एंगल आपके समझ में आए होंगे स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ डिफरेंट एंगल्स बनाएंगे, जैसे 20 डिग्री एंगल और 50 डिग्री एंगल, 70 डिग्री एंगल, जो आमतौर पर बच्चों को थोड़े से कठिन लगते हैं। तो आशा कीजिए कि हम अगली भी वीडियो को जल्दी से जल्दी लेकर के आए, और मैं ये भी आशा करता हूं आपसे कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोरोना का समय चल रहा है, अपने घर पर रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।